हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। शिक्षा भर्ती जुड़ी कोई भी अपडेट हो मैं आपके पास जरूर लाता हूं। और दोस्तों, जैसे आपको मालूम है, वर्ग एक और वर्ग दो की शिक्षक पात्रता परीक्षा आ गई है, उसमें नेगेटिव मार्किंग दोस्तों रखी गई है, जिसका लगातार विरोध हो रहा है। हम पूरी न्यूज देख लेते हैं दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हैं, शिक्षक पात्रता परीक्षा नकारात्मक मार्किंग ने बढ़ाई अभ्यर्थियों की परेशानी। प्रदेश सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए इस बार अभ्यर्थी को इस बार नकारात्मक मार्किंग से भी गुजरना होगा। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल की ओर से सरकारी स्कूलों में उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 की नियमावली जारी कर दी गई है। इस बार अभ्यर्थी को नकारात्मक मार्किंग होने से अभ्यर्थियों के सामने चुनौती खड़ी कर दी है। अभ्यर्थियों का कहना है कि इस बार पात्रता परीक्षा का स्टैंडर्ड CBSE द्वारा आयोजित कराई जाने वाली केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET से भी अधिक कठिन कर दिया है। नकारात्मक मार्किंग CTET द्वारा भी नहीं की जाती, क्योंकि ये एक पात्रता परीक्षा है जिसमें पात्र होने के लिए न्यूनतम अंक लाने की शर्त है, इसलिए इसमें नकारात्मक मार्किंग नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आवेदन 12 जनवरी से 27 जनवरी तक भरे जाएंगे। इनमें संशोधन 12 जनवरी से 1 फरवरी तक किया जा सकेगा। 1 मार्च से शुरू होगी पात्रता परीक्षा। अधिकारियों की माने तो उच्च माध्यमिक पात्रता परीक्षा 1 मार्च से शुरू होगी। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। पात्रता परीक्षा 150 अंकों का होगा। परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे तक की होगी। पात्रता परीक्षा की सभी प्रश्न बहुविकल्पी प्रकार के होंगे, जिनके 4 विकल्प होंगे। एक बार विकल्प सही होगा। प्रश्न पत्र के 2 भाग होंगे, भाग आ एवं भाग बा। भाग आ 30 अंक का होगा, जो भी सभी के लिए अनिवार्य होगा। भाग बा के अंतर्गत शामिल विषयों के में से किसी एक विषय का चयन करना होगा। भाग बा 120 अंक का होगा। इस प्रश्न पत्र में 120 बहुविकल्पी प्रश्न हो जाएंगे। भाग बा में से 17 विषय रखे गए हैं, जिसे अभ्यर्थी अपने स्नातकोत्तर मुख्य विषय से संबंधित में ही शामिल हो सकेगा। तो दोस्तों, हो सके तो अपना जो मेन आपका सब्जेक्ट है वो 120 अंक का जो है उस पर आप फोकस करेंगे, डेफिनेटली आपको लाभ ज़्यादा मिलेगा, है ना। ये क्वालिफाई है तो हम ये नहीं कह सकते कि इसमें हमें कम नंबर से ही काम चल जाएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का एक खतरा हमेशा बना रहता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको एग्जाम देना है। साथ में जो माइनस मार्किंग है दोस्तों, उसका भी आपको पूर्ण रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि एक अंक आपने सही आ गया है, उसमें यदि 4 प्रश्न गलत हो गए तो वो एक अंक जो कि सही प्रश्न पे आपने सही लगाया है, वो भी काट दिया जाएगा। हालांकि इस प्रक्रिया का दोस्तों लगातार विरोध हो रहा है कि CTET में भी माइनस मार्किंग नहीं रखी जाती, तब मध्य प्रदेश की पात्रता परीक्षा में माइनस मार्किंग क्यों रखी गई है। और उम्मीद ज़्यादातर ये है कि इसे हटा दिया जाए, जिससे कि जो हमारे अभ्यर्थी हैं उन्हें इस माइनस मार्किंग की डर से छुटकारा मिल सके। आप इस विषय में क्या सोचते हैं जरूर लिखें। यह वीडियो की सूचना मात्र था। आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला, उसके लिए दिल से धन्यवाद।